क्यों सर आपको कुछ नया चीज बताना चाहता हूं कि मैं डिफेंस कोचिंग गढ़वाल रोड निराला नगर के बलिया से बोल रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप जरूर से जरूर मेरी संस्था में आए और एक बार पढ़ाई का कमाल देखें। सर सामने से भी मिलेगा और ऑनलाइन में हम आपको अलग अलग चैप्टर भी पढ़ाएंगे, आप उसे भी स्टडी कर सकते हैं। आज तक हमारे पढ़ाए हुए लड़के एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एसएससी, यूपीपी और इसके साथ भी 11 और 12 में भी अच्छी कामयाबी हासिल किए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जरूर से जरूर एक बार डिफेंस कोचिंग सेंटर गढ़वा रोड निराला नगर बलिया में जरूर पधारें। धन्यवाद। हम लेकर के चलते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे हम जोड़ते हैं। तो सर अब आप जानकारी लीजिए प्रतिरोध को प्रतिरोध का जोड़ना। यहां पर देखेंगे प्रतिरोध जोड़ने की दो मुख्य विधि है। मुख्य विधि पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। पहले वाले में लेकर के चलेंगे आपको श्रेणी क्रम इन सीरीज। इन सीरीज में हम बताएंगे कैसे आप जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए मैं एक फिगर बनाना चाहता हूं सर। रेजिस्टेंस को इस फिगर के माध्यम से दिखाया जाता है। ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। यहां पर ये दिखाया गया है कि इस रेजिस्टेंस के पहला पार्ट मतलब पहले रेजिस्टेंस का पहला भाग है, इधर दूसरा भाग है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। सर पहले रेजिस्टेंस के मतलब पहले प्रतिरोध के दूसरे भाग को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले भाग से जोड़ा गया है। दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे भाग को तीसरे रेजिस्टेंस के पहले भाग से जोड़ा गया। इस तरह से जो क्रम बनता है उसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। यहां पर मिल जाएगा R1, यहां पर मिलेगा R2, यहां पर मिलेगा R3। यहां पर तीन रेजिस्टेंस को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। सर यहां पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो तुल्य प्रतिरोध को R से दिखाएंगे और इसका फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो R=R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर और भी होगा तो हम इसके आगे जोड़ सकते हैं। इसका अर्थ यह होगा R बराबर तुल्य प्रतिरोध, R1 बराबर पहला प्रतिरोध, R2 बराबर दूसरा प्रतिरोध, R3 बराबर तीसरा प्रतिरोध। ये तीन को हम आपके सामने लिख करके दिखा दिया है। R=तुल्य प्रतिरोध है, R1=पहला प्रतिरोध है, R2=दूसरा प्रतिरोध है, R3=तीसरा प्रतिरोध। यहाँ पर ये देखा जाएगा और क्वेश्चन पूछ देता है कि श्रेणी क्रम में किसका मान नहीं बदलता है और किसका मान बदलता है। दो चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर देखेंगे इसमें जो करंट होता है, जैसे यहाँ से अगर करंट चलेगी I है, यहाँ भी I ही होगी, यहाँ पर भी I ही होगी,
मतलब ये हुआ कि इसमें करंट का मान नहीं बदलता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने पर प्रतिरोध का मान नहीं बदलता है। और किसका मान बदलता है? तो विभव का मान बदलता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने पर विद्युत विभव का मान बदलता है। जितना जल्दी हो सके इसका साथ स्क्रीन लीजिए और आप जल्द से जल्द इसको कॉपी भी कर सकते हैं। डिफेंस कोचिंग सेंटर गढ़वा रूप में एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा और हर साल नियर अबाउट 5000 से अधिक लड़के पढ़ करके और निकलते हैं और नौकरी लेकर के भी निकलते हैं। और हमारे यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कराई जाती है, नेवी की तैयारी कराई जाती है और SSC रेलवे बैंकिंग का भी क्लास चलता है सुसंगत ढंग से। और हमारे टीचर जो हैं, जिनका नाम है इंग्लिश के एक शेक्सपियर, जिनका नाम है सुनील पर्वत, एंड मैथ के लिए आर्यभट्ट के नाम से जाने वाले बीजे सर, सैन्य सर और दीपक सर। हम चाहेंगे कि आप जरूर से जरूर आए और इनका फायदा उठाएं। इसके साथ ही आप सुनील सर के साथ और मुल्ला सर के साथ में देखेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स का कमाल। तो हम चाहेंगे कि आप जरूर से जरूर आधारे डिफेंस कोचिंग सेंटर गढ़वा रोड निराला नगर बलिया।